एक लड़की रेस्क्यू की हमने मीडिया के सामने बयान दिया कि सब एक आता है वही मुझे बेच के गया था मैंने कहा वो कौन है तो उसने कहा पुलिस वाला मैंने कहा जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ उनको बताओ क्या है बहुत जल्दी आ जाओ मैंने कहा बात क्या है कोई लड़की आई है बोले आई नहीं है बच के आई है वहाँ से मैं पूछा बेटा कहाँ से आई हो तो बोली जी मैं गुना की मेरा पति बेच के गया तीस हज़ार यहाँ पर नेपाल की सबसे ज़्यादा गया साउथ की सबसे ज़्यादा गया जो कन्नूर मदनपल्ली हैदराबाद कभी मैंने मुझे तो तेरे यहाँ लड़की होने की सूचना मिली है मुझे तो, मेरा तो ये इतना सा कमरा ढूंढ लो आराम से के तगड़ा सब सब देख लिया के, सब चीज दोस्तों स्वागत आपका एक और मजेदार एपिसोड में आज का एपिसोड बहुत ही आई ओपनिंग होगा आज का एपिसोड बहुत जरूरी है हम सबके लिए देखना ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हम एक तरफ हमारे आसपास पास कितनी चकवाचौंद है बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं लोग काम कर रहे हैं सबको दिखाया जा रहा है बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है सब अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं साथ ही साथ एक ऐसी साइड भी है हमारी ही सोसाइटी की जो बहुत ही डार्क है आज भी बहुत लोग हैं जो मजबूर हैं हालातों के चलते कुछ कर नहीं पा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ रेड लाइट एरियाज़ की जहाँ पर बहुत सारी यंग लड़कियाँ फंस जाती हैं आकर उनका सौदा हो जाता है मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ता है और आ, सेक्स इंडस्ट्री सेक्स वर्कर्स की इंडस्ट्री ना चाहते हुए भी वर्ल्ड की हाइएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव एरियाज़ हैं हमारे आसपास दिल्ली में मेरठ में बहुत सारे एक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है सबको पता है पर कोई कुछ कर नहीं पाता पर इंडिया में सिर्फ पाँच छः ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं वहाँ के वर्कर्स को रेस्क्यू कर रहे हैं जिनमें से आज हमारे साथ जो गेस्ट है अतुल शर्मा मैम इन्होंने अपनी लाइफ के तीस साल दिए हैं ऐसे सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में जिनको ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया है फंस गए हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा लेकिन मैम वहाँ खड़ी रही अपनी लाइफ के तीस साल दिए और पाँच सौ से भी ज़्यादा लड़कियों को वहाँ पर रेस्क्यू करा है तो आज इनसे बात करेंगे मैम मेरठ से हैं और मेरठ का जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है कबाड़ी बाजार वहाँ पर मैम तीस साल से आज भी काम कर रही हैं आज भी बहुत लड़कियों को बचा रही हैं तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका सबसे पहले आ आपको बहुत सारा सैल्यूट है बहुत सारी अप्रिसिएशन है जो आप काम कर रहे हो करेक्ट मैम टू हार्डसॉफ्टे बहुत ही कमेंडेबल जॉब है ये हर किसी के बस की भी नहीं और आपने चीज़ सारा अपनी जिंदगी के इसमें दे दिया इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब एंड थैंक्स आप सबका है क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें उनके दर्द को आप तक ला सकूँ दुनिया तक ला सकूँ इसके लिए आप सबको मैम सबसे बड़ी चीज जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम सबको पता ही ये सदा से चलती आई चीज़ है और सदा तक चलने वाली चीज है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें वाये क्या है जब आपको पता है ये चीज़ कभी रुक नहीं सकती तो आपको क्या ऐसी मोटिवेशन रही कि तीस साल आपने अभी तक भी आप लगे हुए हो अभी तक भी आपके इंस्टिंग्स एक्टिव हैं कि कोई और नई लड़की ना फंस गई हो देखिए मैं अगर ये कहूँ कि मैं कोई बहुत समाज सेवा के उद्देश्य से वहाँ गई या मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ अब भी तो ऐसा कुछ नहीं था मैं केवल किसी को ढूंढने गई वहाँ जो आ, मेरी कमी से मेरी कमज़ोरी से या मेरी गलती से आ, वो वहाँ वापस लौटी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई तो मैं बरसों तक उसका इंतजार किया जो फांस थी दिल में वो ऐसी गड़ गई छोटेपन में तो बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हुई और बच्चा हुआ तो मतलब मैं उसको शायद कर ही नहीं पाई वो मेरे पास आई गुहार लेके आई मुझे रख लो मैं काम करूँगी घर का इसको खिलाऊँगी मेरे बेटे को कह रही थी कि इसको खिलाऊँगी और तुम्हारे यहीं रह जाऊँगी लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि ये ऐसे बाज़ार से है मैंने हाथ जोड़ लिया उससे लेकिन वो उसके जैसे वो मैंने उसको मुड़ते हुए देखा वो मैं आज तक नहीं भूलती मेरी उम्र उस समय मुश्किल से सत्रह अठारह साल थी क्योंकि पहले नाबालिग की शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी तो मुझे ये लगा कि ये पैर शायद मुड़ने नहीं चाहिए थे कभी और फिर मैं उन्हें लौटा नहीं पाई हिम्मत नहीं हुई क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी सास ससुर थे देवर थे नंदे थी तो मतलब एक बड़ी फैमिली में थी और बड़ी बहू थी घर की तो ये शायद नहीं कर पा रही थी आज से तीस साल पहले का समाज कुछ और था और बेसिकली हम लोग चूंकि देहात से हैं किसान परिवार से हैं मेरा मायका भी और ससुराल भी तो इतना हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी विद्रोही स्वभाव था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इसको रोक लूँ और वो मैं आज भी नहीं ढूंढ पाई उसको केवल ढूंढने के लिए मैंने उस बाज़ार का रुख किया दस साल बाद जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए इतने बड़े हो गए कि वो खुद से खाना ले सकें स्कूल जा सकें और उनको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और मेरे इन इलाज भी नहीं रहे मतलब तो फादर दोनों फिर मेरे देवरों की शादी हो गई नंदों की हो गई फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा जिम्मेदारी से मुक्त हो गई हूँ अब बच्चों की है इनको तो मैं संभाल लूँगी जैसे भी तो मैंने फिर जब अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक बार उसको ढूंढने जाना ये नहीं कहा मैं वहाँ जा रही हूँ कोई संस्था भी नहीं थी कुछ नहीं था तब तक तो उन्होंने ऐसे ही सोच के कि वहाँ जाएगी अरे कहाँ वहाँ चक्कर में पड़ रही हो वहाँ जाओगी और मैं कौन चढ़ने दे रहा अभी तुम्हें मैंने कहा अब सोचो आज भी कस्बाई मानसिकता का शहर है मेरठ लेकिन बीस तीस साल पहले तो और भी जाते था और लोग एक दूसरे को बाई फेस जानते थे कौन किसका बच्चा है किसका नहीं है कौन किसकी बहू है ये सब जानते थे तो तो उन्होंने यूँ ही ऐसी रूटीन में कह दिया अच्छा हाँ तो मैं जाना हो ढूंढ लो मिल जाए तो ढूँढ लो इनको फिर मैं रखूँगी घर पर बोले हाँ रख लेना चाहो ऐसी मुझे फन उन्होंने कह दिया उसके बाद उसे ढूंढने में दो साल लग गए और लाद गूँझे सब खाए मतलब मेरे मुंह पर दरवाजे बंद हुए मुझे धक्के दिए मेरे घुटना टूट गया और गिर गई मैंने भी उनके साथ की जो भी कर सकती थी लेकिन मैं हर दिन जाती रही और हर दिन उन्होंने कहा क्या चाहती हो मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊँ मुझे बच्चे पढ़ाने और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे तो पता ही नहीं था कि रेस्क्यू भी होता है मैं इन लड़कियों को निकाल भी सकती हूँ बिल्कुल नहीं मैं कतई नहीं सोचा मैंने कहा मुझे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाना नहीं था मुझे पढ़ाने में कभी रुचि नहीं मैं बेसिकली एक टीचिंग माइंड हुई नहीं तो वो कहती अच्छा चला पढ़ा लो लेकिन सबके यहाँ जाना पड़ेगा किसी के बच्चे यहाँ नहीं आएंगे एक बच्चा इसके यहाँ पढ़ा रही हूँ मेरे लिए तो फायदा था एक बच्चा उसके यहाँ पढ़ा रहा मगर पढ़ा नहीं रही हूँ मैं केवल ये देख रही हूँ कि कहीं वो दिख जाए मुझे दो साल मैंने हर दरवाजा खड़ा आपके मन में इतना गिल्ट रह गया इतना गिल्ट रह गया हाँ और तो वो बच के आई कैसे थी, थी आपके पास मतलब भाग के आई थी वो एरिया से नहीं वो उसको कोई ले आया था वो तो ढाई साल तीन साल नहीं पाँच साल की थी वो उसको उसके फादर दरोगा थे और कोई रंजिश में उठा लाया था रंजिश में उठा कर उसको गोरखपुर बेच दिया था और जब वो धंधे में लग गई उसके बाद उन्हीं की गांव का कोई बंदा आया वो तो उसको पहचान गई उसने उसको चाचा कह के बुलाया लेकिन जो पैसे दे चुका था उसके लिए तो देह धर्म सब चीज़ थी उसने कहा कि वो कह रही चाचा मुझे निकाल दो बोले हाँ निकालूंगा समय आने दे और वो उसके पास रेगुलर आता रहा माज आदमी और रेगुलर वो उसको चाची बुलाती रही और वो अपना देह धर्म पूरा करता रहा फिर एक दिन उसने कहा कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट जॉब में था मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और अब तो सब अपना जो भी तेरे पैसा हो जेवर हो सब समेट ले और मेरे साथ चले रात को चलेंगे आज उसने सब अपना ही नहीं दूसरों का भी समेट लिया अच्छा और उतर आई उस समय लगभग उसकी तीस साल उम्र थी जब वो उतर के आई और जब घर से आ, उठाया गया उसको जब पाँच साल की थी पच्चीस साल उस जगह गुजार के भी उसने अपना ये नहीं छोड़ा था कि मुझे यहाँ से बचना है बेहद खूबसूरत औरत और मैं उस समय पंद्रह सोलह सोलह सत्रह साल की मुश्किल से मेरी तो उस बंदे ने उसका एक एक पैसा ले लिया और एक दिन अल्टीमेटली वो मतलब मेरठ ला के रखा उसने मेरठ पोस्टिंग करा ली थी अपनी और बाल बच्चेदार था वो एक दिन सब छोड़ के खाली करके इसको चला गया तब तक हमारे पास इसका आना जाना नहीं था लेकिन फिर उसके बाद ये आई काम मांगने के कि वो तो चले गए मुझे छोड़ के तो मैंने कहा भाई क्यों छोड़ के चला गया तो मुकदमा कर पुलिस को कह तो उसने कहा नहीं फिर उसने मुझे अपनी सारी बात बताई कि ये मैं ऐसे ऐसे हूँ मैं उसे उसके घर भी ले गई अपने घर वालों को सबको कन्विंस किया कि एक बार उसके घर चलते गए हम उसके घर और लेकिन उन्होंने मतलब उनके दो बेटे भी हो चुके थे उसके बाद वो पहली एक बेटी थी दो बेटे थे जो बिल्कुल बहन की सूरत थी सुंदर से और मुँह मोड़ लिया कि जी हमारे लिए तो तभी मर गई मैंने कहा ये कौन सा जवान होकर कहीं भाग थोड़ी गई कि आपकी बदनामी हो रही है आप कहो कि खो गई थी अब इतने साल बाद मिल गई है बोले तो नहीं हम नहीं रखेंगे और वो दिन ऐसा था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में मैं ही क्यों रखूँ इसके माँ बाप ने नहीं रखा या मैं डर गई अपने फैमिली से मेरे मायके से भी मेरे भाई क्या कहेंगे मेरे बड़े भाई हैं तीनों मैं छोटी अकेली बहन हूँ क्या कहेंगे वो चली गई और मेरा बच्चा जब एक महीने का था उसको खिलाती थी फिर कहती थी कि मैं इसको भाई मान लूँ अपना कब मान ले अगर यहीं रह रही है तो लेकिन वो चली गई उसी दिन और जाने के बाद में वो एक साल बाद आई एक साल बाद आके वो बहुत मतलब बहुत चमकीले से कपड़े और फल का एक टोकरा सा कुछ मिठाइयों का डब्बे वो लेके आई और बोली भाई दो है आज मैं टीका करने आई हूँ गोविंदा बुलाती थी मेरे बेटे को कि मैं गोविंदा को टीका करूँगी मैंने मना कर दिया मैंने कहा नहीं पहले ये बता तू कहाँ चली गई थी और ऐसे अब ये इतने सारे कपड़े जेवर कहाँ से आए तेरे पास तो उसने कहा तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई फिर वो क्लिक कर गया मुझे कि अरे ये तो फिर ख़राब हो रहा है तो मैंने क्या नहीं तो फिर नहीं ले जा अपना सब सामान कुछ नहीं, नहीं चाहिए और टीका भी नहीं कर टीका भी नहीं कराएगी मैंने कि मैं। मैं नहीं मैंने नहीं कराया और वो फांस आज तक है आज तक भी उस फांस को मैं कभी नहीं निकाल पाई मैं सोचती कहीं मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरा मतलब वो महिला कहीं मर भी गई तो सोचूंगी कि मुझे हालांकि अब उससे काफ़ी उम्र उसकी हो रही होगी सत्तर अस्सी अस्सी साल की हो रही होगी वो तो कहीं वो मुझे ये भी पता लग जाए कि मर गई तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए तो उसको केवल मैं ढूंढने गई कोई समाज सेवा नहीं कोई कुछ नहीं और जब तो दो साल हो गए तो एक सज्जन थे जो रिश्ते में थोड़ा हमारे बड़ा पद था उनका उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तू वहाँ कर रही है अच्छी बात है जा रही है तू उसको ढूंढने जा रही है लेकिन बेटे किसी दिन कुछ भी हो सकता है तो ऐसा कर एक संस्था रजिस्टर करा और उसमें कुछ अपने जिम्मेदार लोग रख वो तेरे साथ तो रहेंगे कम से कम मैंने उनकी बात को मान लिया और ये संस्था बनाई संकल्प करके और 96 में मैंने पहला रेस्क्यू किया तो मैम जब आप उर्धे सिर्फ ढूंढने जा रहे थे तो ये रेस्क्यू वाला चैप्टर कैसे आया आप देखिए मुझे तो वहाँ हजारों मीरा दिखाई दी फिर एक थोड़े ही मुझे तो हज़ारों दिख रही थी हर रोज हर रोज मैं देख रही थी किस हालत में किसी के यहाँ चोट लगे देख रही हूँ किसी को यहाँ देख रही हूँ पूछ नहीं सकती बात नहीं कर सकती इतनी कम मेरी एज भाई सत्ताईस अट्ठाईस साल की कोई उम्र नहीं होती मुझे मैं डरती थी ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था लेकिन अंदर का जज्बा मुझे नहीं रुकने दे रहा था वहाँ से मैं जहा बराबर रही थी तो वो जो मुझे हज़ारों लड़कियाँ दिखीं तो मैंने कहा मैं एक को तो निकालूँ कहीं तो मुझे चैन आएगी कहीं से तो उसको आवाज़ आएगी कि एक लड़की निकाली तो शायद वो मुझे भी निकाल ले बस ये रहा अच्छा मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कहीं और भी रेड लाइट एरियाज़ होते हैं मैं सोचती थी ये मेरठ में ही है है ना ऐसे परिवार के हम थे कि बहुत घर से निकलना नहीं है कुछ ये नहीं तो ये नहीं लग रहा था कि मतलब मेरठ का मैम ये कौन सा इलाका है जहाँ पे कबाड़ी बाजार कहलाता है मेन सिटी है है मेरठ बसा हुआ ऐसे जैसे आपकी गोलमेज ऐसे बसा हुआ है और हर नौ दरवाजों में गिरा हुआ है नौ के नौ दरवाजे कबाड़ी बाजार पे जाकर रुकते हैं मैम जैसे आप कोठे पे गए आपने देखा पे हजारों लड़कियाँ काम कर रही हैं आपके मन में इच्छा है कि सभी को मैं बचाऊँ और आप इतने साल से बचाते भी आ रहे हो जो ह्यूमन ट्राफिंग का शिकार होती है उनको आप बचाते हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेजरली आप क्या देखते हो कि उनको क्या बोल के फसाया जाता है मतलब पढ़ाई का लालच नौकरी का लालच या प्यार का लालच देखिए फसाया ज़्यादातर तो लड़कियां आती हैं प्यार में अच्छा हाँ प्यार में ले आए कि वहाँ जाके शादी करेंगे दिल्ली और वो कौन से कौन से इलाकों से आती आ रही हैं मेरठ में ठीक नेपाल से आ रही हैं यहाँ पे नेपाल की सभी ज्यादा लड़कियाँ साउथ की सभी ज्यादा लड़कियाँ जो कन्नूर मदनपल्ली हैदराबाद यहाँ की बहुत लड़कियाँ आ रही हैं इनको भाषा तक भी नहीं आती फंसा के लाए यहाँ ले आए निकाली है मैंने हैदराबाद की लड़की भी निकाली है कन्नूर की लड़की निकाली है, है अफगानिस्तान की लड़की निकाली है और नेपाली तो बहुत हैं प्यार का लाला सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं नहीं सोशल मीडिया तब कहाँ तो ये कैसे मिलते है तब कहा था सोशल मीडिया भाई कहीं पढ़ रहे हैं तो हो गया रास्ते मिल प्यार का कोई वो नहीं है ना कोई एक मैार थोड़ी है कि ये मंजिल पकड़ोगे वहां जा प्यार मिलेगा वो तो जहाँ आपने किसी को फंसाना है तो फंस गई लड़की कम उम्र की लड़की फंस गई और आप ले आगे दिल्ली चल के शादी शादी करेंगे हमको तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा नेपाल से जितनी लड़कियां आती हैं काम के नाम पर आती रही कि नहीं है ट्रक वाला है वो मीडिएटर है है ना वो उनका मीडिएटर है वो लाएगा कि मैं दिल्ली काम दिलवाऊंगा तुम इतनी गरीबी में जी रहे हो ये कमाएगी घर में कामकाज दिलवाऊंगा और देखो उसको दिलवाया वो कितना पैसा ले रही है क्योंकि वो लड़कियां कभी वापस नहीं आती अपने घर पैसा भेजती हैं केवल उनको ये छूट दी जाती है कि आप थोड़ा पैसा भेज दो ताकि घर वाले उज्जत ना करें ढूंढते हुए ना आए लग रहा है है वाकई में कुछ सही काम कर रही पैसा तो आ ही रहा है नहीं भेज रहे मालिक तो कोई बात नहीं और कभी कभी फ़ोन पर बात करा दी बस कहीं से भी कुछ करा दिया इतना हुआ या वही जो लाया है मीडिएटर वो जाके बता दे भाई ठीक है ये चिट्ठी भेजिए अला जो मैं अपने फ़ोन से बात करा रहा हूँ फिर मोबाइल आ गया था 98 में तो मोबाइल ही आ गए थे तो मोबाइल तो के ज़रिए बात करा दूँ इतना भर होता था लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार में और उसके बाद में बिहार से जो लड़कियाँ आ रही हैं वो शादी के नाम पर भाई यहाँ गरीबी है वहाँ वहाँ पे पैसा बहुत है ज़मीन बहुत है तो शादी हो नहीं रही क्योंकि लड़कियों का रेशो कम है अगर वेस्टर्न यूपी में देखो तो एक हज़ार पर आठ सौ और साढ़े सात सौ छप्पन लड़कियाँ हैं तो उसको देखते हुए कि भाई वहाँ पर लड़कियाँ कम हैं तो शादी नहीं हो रही अच्छी रहेगी तुम्हारी लड़की बढ़िया रहेगी पैसे वैसे भेजती रहेगी उसके नाम पर ले आएंगे तो ये और वो नौकरी के नाम पर भी थोड़ी बहुत लड़कियाँ आती हैं वो नेपाली हैं ज़्यादातर सब एक ज़माना था मुझे अब तक भी याद है कि अगर एक नेपाली ले आओ जी घर के लिए घर पर अच्छे से काम करेगा लड़का लेकिन फिर धीरे धीरे नेपाली लड़कियों की डिमांड बढ़ी वो तो घरों में काम करने के लिए लड़कियाँ कभी नहीं आई घर में तो आदमी की किसी के भी देखो किसी ऑफिसर के घर देखो किसी की देखो एक नेपाली मिलेगा एक बहादुर मिलेगा है ना और इनके यहाँ भी बहादुर काम करेगा रेड लाइट एरियाज में भी हर कोठे पे एक बहादुर है एज अ दलाल या एज अ सफाई सफाई रोटी ला के देना और बस अपना ये देखना दिखाना जो भी कुछ काम हो किसी को चाय मंगानी हो कॉफ़ी मंगानी हो तो वो बहादुर ला के देगा जो बीजिए मैम कितना पैसा इन्वॉल्व होता है जो ये मीडिएटर होते हैं ये इतना जो घनौना काम कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ इनके लिए कितनी कीमत बहुत होती है कि यार ये किसी इंसान को ही बेच सकते हैं कितना पैसा इन्वॉल्व होता है एक लड़की के बिकने या ख़रीदने में देखिए बिकने का ऐसा सिस्टम है कि जब वो लाएगा ट्रक ड्राइवर वहाँ से वो अपना खर्चा निकालेगा कि जो उसकी ट्रक है यहाँ तक निकालेगा उसके ऊपर से वो दस बीस हज़ार रुपये रखेगा बस उसकी इतनी है यानी पचास हज़ार तक की उसकी सीमा है उसने ला के दिल्ली में बेच दिया दिल्ली से आ जाएगा मेरठ मेरठ में उसकी कीमत बढ़ गई इतनी पचास तो पहले वो निकलेंगे जिसने कमाया फिर आगे के और बीस पच्चीस हज़ार रुपये वो बढ़ जाते हैं उसके बाद अगर लड़की वहाँ सेट हो गई तो ठीक है नहीं हुई अरे एक लाख से ऊपर की नहीं है कीमत एक लाख से ऊपर आई नहीं क्योंकि वो जगह ऐसी अब दूसरे मनोरंजन के साधन आपके पास हो गए बहुत सारे हो गए आप कहाँ अश्लीलता नहीं देख रहे तो कहाँ आपको अश्लीलता नहीं मिल रही तो वहाँ पे कम हो गए इसलिए उनकी कीमत भी अब कम हो गई है एक टाइम में थोड़ी ज़्यादा थी आज कम हो गई है यहाँ से अगर वो लड़की नहीं कर पा रही है ज़्यादा हज्जत कर रही है कि नहीं मुझे तो भागना है कुछ जाना रोज़ रो रही है कस्टमर के सामने हाथ जोड़ रही है शिकायत मिल रही है पुणे भेज दो अच्छा पुणे जाएगी पुणे से मुंबई ट्रांसफ़र हो जाएगी कमाठीपुरा में कमाठीपुरा नहीं रुक रही दरबार वहाँ चली जाएगी मुंबई मुंबई चली जाएगी आप ढूंढ नहीं सकते इतना बड़ा इलाका है सोनागाछी क्या आप ढूंढ नहीं सकते पूरा शहर बसा हुआ है तो गई लड़की वो कोई टैग नहीं लाइन नहीं सेट हो रही है कि इतना पैसा ही लेना है कोई सामली हुई लड़की कम पैसा मिल जाता है कोई सुंदर सी हुई तो और पैसा मिल जाता है नेपाली लड़कियों को ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो पच्चीस से बाद भी काम कर पाती हैं उन वो देर से उनकी एज लगती है तो वो तीस सक तक भी चलता है उनका काम तो इसलिए उनका पैसा ज़्यादा होता है और फिर ये भी देखा जाता है कि जब एक लड़की आई है स्वाभाविक है कि पुलिस को पता है नई लड़की आ गई जब मुझे पता लग गया मेरे पास उड़ते उड़ते ऐसे आती है हवा में तैरती खबर नई लड़की आ गई है कहाँ पे है अभी ये नहीं पता लग रहा है पुलिस को तो पता ही है तो सबसे पहले पुलिस का पैसा जाएगा अच्छा वो कितना अमाउंट होता है अरे बीस हजार पच्चीस हजार एक लड़की पे चले जाएंगे दे दिए तुम्हारे दिए चुप बैठ जाओ अब दो दिन चुप बैठ जाओ जब तक तो तो लड़की सेट हो जाए कस्टमर निपटाने लगे या फिर हम बाहर भेज दें इतने चुप बैठो बस इतने वो चुप नहीं बैठते इतने पूरी कड़ी नजर रखते हैं कि कोई और तो नहीं परेशान कर रही नहीं। उस बात का वो है हम तो करेंगे ही नहीं लेकिन कोई और भी ना करे मतलब आप तो जैसे लोग भी ना आ कोई ना आ आ कोई कोई जाए ऐसा ना करे तो वो स्थिति है और लड़की जब कमाती है तो उसके बाद मतलब आप देखो सोच उसका निजी कुछ नहीं है दो सौ रुपये उसको मालकिन को देने हैं वहां रुकने के ज़बरदस्ती लाई गई है उसके बाद तो 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 भी दो सौ तो उसको मालकिन को देने दो सौ किराया देना है जिस मालकिन की वो मिल्कियत है उसको मतलब एक संचालिका होती है कोटा संचालिका एक मालकिन होती है मालकिन वो जिसकी अपनी संपत्ति है संचालिका वो जिसने किराए पर लेके वो चला रही है तो दो सौ उसको किराए पर देना है दो सौ मालकिन को देने दो सौ पुलिस के जाने हैं दो सौ दलाल के जाने हैं दो सौ रोटी खाने को भी चाहिए यानी उसे दिन भर में कम से कम हज़ार से पंद्रह सौ तो कमाने पड़ेंगे अब उसके बाद जो वो कमाएगी ऊपर से जो भी दो सौ चार सौ रुपये वो वो जमा करके रख सकती है भाई चलो मैं घर पे अपने भेज दूँ कहीं बस इतना भर उसके पास होता है इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो वो ऐसे एक में फंसी होती है वो कुछ नहीं सोचता वो सुबह उठेगी अभी ये भी एक मिथक है इसे भी मैं क्लियर कर दूँ कि केवल ही रात में बाजार आबाद होता है अब पूरा दिन होता है अच्छा हाँ। क्योंकि रात में थोड़ा खतरा भी रहता है कि पुलिस आ जाए पैसा लेने के बावजूद भी आ जाए दारू पी गए उन्हें मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है मारपीट भी करेंगे चुनौती भी करेंगे सारे काम करेंगे आपके साथ तो अच्छा तो ये है कि दिन में पूरा दिन कस्टमर आ रहा है भीड़ भड़क के में कुछ पता नहीं लग रहा कौन आ रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है चल रहा है एक टाइम ये था तब जो हमने शुरू ही किया था हमको तब समझ में भी नहीं आता आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं इनको कवाड़ी बाजार पूरी एक लंबी सड़क है दोनों तरफ कोठे हैं नीचे दुकानें hmm. मतलब इससे ज्यादा है, हैरत की बात और कोई हो नहीं सकती जब दुकानें हैं दुकानदारों की मिल्कियत है ऊपर वो क्यों चलाते हैं उन कोठों को सीधी सीधी बात ये है वो क्यों नहीं प्रशासन पे दबाव देते कि साहब वो किराए पे क्यों देते हैं, देते हैं? क्यों लोगों को ये कहते हैं मैं जब भी रेस्क्यू करती तब भी ऐसे तो बैठ के देखते हैं सबको पता है कि मैं उनकी बेटी हूं मतलब मेरे पापा जी का सबको पता लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा अच्छा काम कर रही है अच्छा आज एक लड़की निकाली है ठीक है बेटा चल अच्छा है किसी की ज़िंदगी में बस ऐसे जैसे एक रूटीन में कुछ मुझे शाबाशी दे दी मैं कोई छोटा बच्चा हूँ दे दी शाबाशी हो गई एक टॉफी पकड़ा दी ये उनकी स्थिति उसके बाद भी कोठे बने मतलब मैं काम कर रही हूँ उसके बाद भी बिल्डिंग बनी दुकान ली नीचे ऊपर कोठे बना दिए उसकी हमने शिकायतें भी करी भाई ये कोठा कैसे चल गया तो किसकी साजिश पे चल रहा है अगर ऊपर का ना हो निज़ाम अगर उसमें इन्वॉल्व ना हो मतलब प्रशासन उसमें ना इन्वॉल्व हो तो कैसे नया एस्टेब्लिश हो जाएगा सही बात है। किस तरह तो हो रहे हैं वो कोई रुकावट उसमें नहीं आई कभी भी और वो ऐसे ऐसे लोगों के हुए कि मैंने कान पे हाथ रख लिया ये आदमी अरे ये तो मतलब सम्मानित आदमी है मेरे पड़ोस का आदमी है मैं भाई बुलाती हूं क्या क्या है ये क्यों ऐसा करा मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही मेरे भाई का अगर दोस्त है कोई तो मैं कैसे पूछूंगी उससे कि भैया तुमने ये क्या किया मुझे लताड़ के खड़ा करेगा अलग तो ये मतलब मैं कैसे बताऊं ये ऐसा सिस्टम है जिस चैन को तोड़ पाना संभव ही नहीं है आप अपनी जान पर दाव पर लगा के आप उनकी छेद तो कर सकते हैं उसमें लेकिन आप उस चैन को तोड़ नहीं सकते वो इतनी सख्त चैन है होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बदल गया हम हाँ अगर कोई जैसे आपने बोला पुलिस वाला इन्वॉल्ड अगर कोई पुलिस वाला बाय चांस आपकी हेल्प भी करना चाह रहा हो सकता है उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं हाँ? उसके दबाव में वो रुक जाता हाँ? है हाँ मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी एक लड़की रेस्क्यू की हमने और लड़की ने मीडिया के सामने ही बयान दिया मैं मीडिया के बिना नहीं करती कभी भी मीडिया ने मीडिया के सामने बयान दिया कि सब एक आता है किसी का नाम लिया और वही मुझे बेच के गया था और अब हर रोज़ आता है और मालिकीन से ढाई सौ रुपये पर एक शराब की बोतल लेके जाता है मरूज़ मैंने कहा वो कौन है तो उसने कहा पुलिस वाला है कहाँ पे तैनाती है फलाने थाने में तो था मैंने तो कहा पहचान सकती हो बोले हाँ मैंने तत्कालीन जो आईपीएस थे उनको कहा मैंने कहा सर देखिए आपकी ऐसे ऐसे शिकायत आई है बोले अदुल तो जी अगर गलत हुआ तो तो मैंने कहा मुझ पर एक और मुकदमा कर देना मेरे पे तो और दस कर रखे हैं तुमने तो बोले पक्का कैसे पता लगेगा ये तो आप समझा के लाएंगी मैंने कि नहीं आप पूरे थाने के अपने जितने भी दरोगा हैं सिपाही हैं हेड कांस्टेबल हैं मुंशी हैं सबको खड़ा कर दो शनाख्त परेड करा दो मैं नहीं कहती कि आप ऐसा करो तब भी तो कराते हो किसी अपराधी की करते हो आप कराई गई चौबीस लोग खड़े करे गए चौबीस में से लड़की ने कह दिया ये है लड़की वहाँ की थी भी नहीं मध्य प्रदेश की लड़की थी मैंने कहा ये क्या इसकी रिश्तेदार है कि इसको पहचान रही है तो उन्हें अरे मुझे 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 क्यों कह रही मुझे क्यों कह रही वो ऐसे कहने लगा उसने कहा तुम्हें तो आते हो ढाई सौ रुपए और बोतल नहीं देती वो बड़ी सी बोतल देती हैं तुम्हें मालकिन वो तो लेके जाते हो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उस लड़की ने कहा खैर वो सज्जन चूंकि यहाँ पे प्रोमोशन पे थे आई पी एस साहब उसके बाद चले गए और हमारे यहाँ बरसों बाद वो एस एस पी होके आए मैं रंजिश बता रही हूँ कि रंजिश से ही दिल ही दुखाने के लिए वो दिल दुखाने के लिए आए केवल तो मुझे एक दिन कोई काम पड़ा और मैं चली गई मैंने पहले तो उन्हें बधाई दी कि भाई बेटा हुआ था उनको यंग एज थे उनका बहुत बहुत बधाई फिर मैंने कहा सर आपके सिपाही की जमानत तो हो गई मजबूर जेल भेजना पड़ा वो और अदुल जी वो बहुत गलत काम किया आपने आपने वो बहुत गलत काम किया इससे गलत काम कुछ हो नहीं सकता क्या हुआ उसकी जमानत होगी तो अब खारिज भी हो जो 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 जाएगा केस आपने अपना तो कुछ फ़ायदा करा ही नहीं हमारा भी मार दिया सोच के देखिए आप मैं खुल के उस बात को नहीं कह रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा लेकिन उनका कहना यह था कि इतने मुझे मिल जाते इतने मैं आपको दिलवा देता और उसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको आपने खामा खाओ से मैंने कहा उस आदमी के लिए एक है जो इतना गंदा आपके पूरे विभाग को बदनाम कर रहा है अरे योग जरा कितने कितने पढ़े आप बेकार की बात कर रही हो ये उनका जवाब मुझे था एक दरोगा जी मैं अचानक पहुँच गई एक दिन और बड़ी उम्र की थी मैं उनको अम्मा बुलाती थी मैंने उसका अम्मा क्या है मुझे नहीं पता ये दरोगा हैं शादी वर्दी में थे मैंने कहा क्यों इतनी क्यों परेशान सी हो रही हो हु, क्यों रो रही हो बोली देखो आपको तो पता है कि मेरे यहाँ तो अब लड़कियाँ वड़कियाँ नहीं है मैं तो छोड़ के जा ही रही हूँ अजमेर चली जाऊँगी मैं तो अब दरोगा जी परेशान कर रही हूँ मैं दरोगा जी हैं लगभग होंगे वो पचास पचपन के तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं बोली कह रहे हैं बच्चा चाहिए है, बच्चा चाहिए मैंने कहा बच्चा कहाँ से दोगी तुम कोई छोटा बच्चा है तुम्हारे पास मैंने दरोगा जी से पूछा मैंने दरोगा जी तुम्हारे को बच्चा अच्छा ना है दरोगा जी हंसने लगे बड़ी ठटाक है हंसी उन्हें नहीं पता था मैं कौन मुझे जानते भी नहीं थे तो बोली यार चुप रहो आप भी चुप रहो दरोगा जी मांग रहे हैं छोटा बच्चा मतलब चौदह साल की लड़की चाहिए मुझे जी हाँ पचपन साल का बुढ़ा वो शर्म नहीं आ रही पोते पोतियों का था कि मुझे पचपन प... चौदह पंद्रह साल की लड़की दो और है आती क्यों नहीं है तुम्हारे पास आती है नहीं है तो तुम्हारी पोती तो है वो नातीन उसे बुला लो ऐसे खुल के बोल रहे खुल के खुल के बाद में ये हुआ कि वो एक किसी काम से एस में गई तो वहाँ पे जो है दरवाजा सामने मिले दरवाजी मुझे देख के फक हुए मैंने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जब आपने अपने आप को नरविशास घोषित करा लिया मेरी नजरों में तो आप नराधम निकृष्ट आदमी हैं आपसे ज़्यादा कोई निकृष्ट है नहीं मैं किसी से आपकी ना शिकायत करूँगी ना कुछ करूँगी और आप जाओ जो चाहे करना हो रिटायरमेंट के नज़दीक हो कहे को तुम्हारी नौकरी पर मैं वो करूँगी मुझे अपने काम से काम है मैम इस... आपने तो नर्क देख लिया एक तरीके से इतना इतना मैंने ख़राब देखा है कि मैं उन लड़कियों का जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ एक लड़की एक दिन सुबह सुबह छः बजे मुझे फ़ोन आता है सर्दियों के दिन कि जी मैं मेरा नया नंबर था मैंने कहा भैया सब खैरियत मैं डर जाती हूँ कि कोई नई लड़की है मैंने कहा जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ मैंने कहा बताओ क्या है बहुत जल्दी आ जाओ मैंने कहा बात क्या है कोई लड़की आई है बोले आई नहीं है बच के आई है वहाँ से अच्छा हाँ मैं जैसे थी वैसे मैंने निकलवाई बच्चे से गाड़ी मैंने कहा चल तू मेरे साथ लड़का बैठा बाहर हाँ मैं पहुँची तो बाजार से लगभग इतना दूर कि जैसे आपकी इस वाली सड़क पे चले जाओ इतनी दूर टैम्पो में वो लड़की गीली इतनी सर्दी में और कहाँ पड़ी वो थर थर सामवली सी लड़की मैंने उसे देख के पहले अपना शॉल उतार के दिया स्वेटर भी उतार के दिया सर्दी थी बहुत मैंने कहा तू ये पहन ले मैंने कहा कहाँ से लाया तू इसको मैंने लाया जी मैं तो सो रहा था ये तो आई और मेरे टैम्पो मुझे जगा के मैं तो पिछली सीट पर सो रहा था मैं कह रही कि तू मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दे आपका नंबर हाँ वो मैं बताऊँगी आपको हम कैसे देते नंबर तो मैंने कहा फिर मैं उससे पूछा बेटा कहाँ से आई हो तो बोली जी मैं गुना क्यों मध्य प्रदेश की मेरे पति ने मुझे बेच दिया पति ने ही बेच दिया और मेरी तीन महीने की बेटी उनके कब्जे में है वो निकाल दो बस कैसे भी अब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे मैंने कहा बेटा मैंने जो मेरे नज़दीक के वॉल्टियर थे मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा एक सूट लेके आओ लड़की के लिए और ये पहना पनू के इसको ठीक से करो लड़की तब तक वहाँ अपने घर पर ले जाओ इसे तो मैंने ट्रायल बाद में कराएंगे अभी सुबह सुबह मगर मुझे पहले बच्ची बचानी थी मैं जैसे ही वहाँ जाने लगी उसने मुझे बता दिया था कि इस कोठे पर तो मुझे इतना सा गोल मटोल सा बच्चा मिला गंदे कपड़े बिल्कुल हाथ पैर भी गंदे सांवला सा बच्चा और उसने मुझे ऐसे पकड़ के मैंने कहा मुझे सर्दी भी लग रही थी मैंने कहा हाँ बेटे कि मेरी मोटी को बचा दो मैंने कहा मोटी कौन है बेटा मेरी छोटी सी बहन है मैंने कहा तू कौन है बोलो जो भाग के गई ना मैं उसको बेटा हूँ मैंने कहा उसका बेटा है यहाँ क्यों बोले मैं भी ऊपर रहता था ना तो मैं अपनी मोटो को लेकर रोज़ खिलाने जाता था फिर मैं अपनी एक दिन मम्मी को भी ले गया तो मुझे मारा बहुत और मुझे भगा दिया कि इसकी रोटी हमें भारी पड़ती है यह ये क्यों यहाँ है मैंने कहा अब तू फिर क्या करता है बोले मैं सामने चाय वाला ना उसके यहाँ प्लेट धोता हूँ फिर रात को यहीं भट्टी के पास सो जाता हूँ कभी मेरी मोटो को ना ले जाए कहीं और मैं मुझे अपनी मम्मी को बचाना बस मैंने कहा मम्मी तो बच गई अब मोटो ये कैसे भी लाओ मेरी मोटो पर लाओ इस बीच हमारे पास ख़बर आती है किसी की कि जी एक बच्ची को लेकर भागी है ये और वो है मार्शल मार्शल में है ये एक बड़ी सी जीप और उसमें ले रखा है छोटी बच्ची है ये उसको लेकर भागी है मैंने कहा किधर हापुड़ रोड पे मैंने हापुड़ रोड पे चूँकि मेरा मायका मतलब बेसिक मेरा मायका जो है गांव पड़ता है खरकोदा तो मैंने वहाँ अपने जो मेरे चचेरे तहेरे भाई थे उनको फ़ोन किया मैंने कहा एक मार्शल है और जनरली तो बहुत मार्शल है नहीं तो मैंने कहा देखो उसको कैसे भी रुकवाओ पुलिस के पास जाकर कैसे भी रुका तुम बोले जी पैसे पुलिस वुलिस तो जैसी सुनेगी वैसी रोशन है पर हम सारे रोकते हैं उन्होंने खैर वो गाड़ी रोकी वो बच्चे को फेंक के उनको भी चोट फोट लगाते हुए गाड़ी भाग गई बच्ची को फेंक दिया तो मेरे भाई ने कहा कि जी मैंने बच्ची तो मिल गई हमें कैसे करें मैं कहा मेरे हठ ले कर आ जाओ आप यकीन नहीं मानोगे और छोटे से बच्चों ने जो उसे देखा ना तो गोदी में लेके ऐसे भींचा और कहा मोटो अब तो चिंता मत कर रो मत तो अब अब तो मम्मी भी बच गई अब तो हम भी बच गए अब तो हम अपने घर चलेंगे अब नहीं जाएगी मेरी मम्मी ऊपर और अब देख अब मैं मैं भी चाय की कप नहीं दूँगा हम अपने घर जाएंगे फिर मैंने उस लड़की के पास ले गई मैं फिर मैंने मीडिया ट्रायल दस बजे के करीब कराया उस लड़की ने कहा कि मेरा पति बेच के गया और यहाँ लाया था ये के कि दिल्ली में काम करेंगे यार नहीं हमारा काम चल रहा है और फिर यहाँ बेच गया मुझे तीस हज़ार रुपये में तीस हज़ार हाँ। और काम के बहाने लाया था कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा तुमको भी घरों में लगवा देंगे और मैं भी करूँगा तो ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल जाएगी मगर सब बेकार हुआ लड़की को हमने वहीं भिजवाया गुना वहीं नारी निकेतन में गई वो लड़की क्योंकि यहाँ रखने का तो कोई मतलब नहीं था नहीं। वहाँ से उसके पेरेंट्स को भी खबर हुई उसको मुकदमा हुआ उस आदमी के ख़िलाफ़ और जेल गया वो अच्छा हाँ अब बाद में तो क्या हुआ जमानत हुई है नहीं लेकिन वो लड़की अपने घर आप टच में रहते हो रेस्क्यू हाँ हाँ जो रेस्क्यू ज़्यादातर क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो जिनकी शादियाँ हो गई तो उनके तो एक्चुअली मैं टच में हुई हूँ जो लोकल में हुई हैं आस पास के गाँव देहात और शहर में भी हुई हैं और कुछ ऐसी हैं कि जॉब भी कर रही हैं ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में हमने लगवाई हैं मैम वैसे जब आप रेस्क्यू कराने जाते हो आपको कोई लीड पता चलती है कि यहाँ पे कोई लड़की फंसी हुई है या किसी रेड लाइट एरिया जाते हो आप और जैसे आपने बताया कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में कि देखती है कि कौन चेक कौन चेकिंग के लिए आ रहा है कौन नहीं आ रहा तो इस केस में आप जब आप पकड़ने जाते हो तो पुलिस आपको कोई मदद करती है देखिए पुलिस का मुझे मतलब मैं कहूँ तो एक अनुभव केवल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और नहीं है इतने तीस सालों में मुझे पुलिस के इतने ख़राब अनुभव हैं मैंने फिर कभी किया ही नहीं कि तुम आओ जब बुलाया जब हो गया किया ही नहीं उससे पहले लेकिन एक मेरा 2015 में नहीं सॉरी सॉरी 18 में रेस्क्यू एक किया तो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि जो हमारे तत्कालीन दस थे मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए बताइए एक लड़की निकालनी फेक नहीं होनी चाहिए मैंने कहा फेक कैसे होगी पन्नी मतलब मेरा मतलब ये है फेक का मैंने कहा यह शब्द आपकी ज़बान पे कैसे आया भाई ये हम हम भी कहते हैं उस शब्द को कि यार फेर हो फेक हो गई आज की रेड मतलब लड़की नहीं मिली तो ये शब्द कैसे आया अब बोले छोड़ो उस बात को मैंने तो मुझे तो आपके सिपाही चाहिए और मतलब किसी तरह का शोर शराबा नहीं चाहिए रात को करूँगी मैं ठीक है उन्होंने दो मुझे हट्टे कट्टे से एस जी के जो दो सिपाही दे दिए मैंने कहीं मेरे साथ नहीं रहेंगे वर्दी में नहीं रहेंगे अलग खड़ा कर दो मेरे साथ टच में रहें बस और मैं फ़ोन पे रहूँगी फ़ोन में लगातार चला के रखूँगी ये भी काटे ना मेरा और सुन ले ठीक है जिस जगह हम कई जगह मैंने पहले तो ऐसे बांधा लेकिन पता नहीं पता है कि एक ने पीछे से कहा कि मैडम लड़की है क्या कोई मैं पीछे मुड़ के देखा मैं कौन पीछे मत मुड़ो मैं ये बोल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कहाँ पर उसने तो बताई मुझे जगह बहुत देर हो गई आपको मैं तुझे कैसे पता लगा मैं हूँ

और रात का अंधेरा और सर्दियों के दिन वो जैसे तैसे मुझे डगमगाते डगमगाते ले गया और फिर मैंने उसे कहा कि यहाँ खड़ी कर दे एक साइड पुलिस चौकी की तरफ और मैंने कहा यहीं जा मंदिर की सीढ़ियों पर सो जा मैं तुझे तो अपने आप जगा लूँगी ठीक है मुझे केवल जाना और आना ही है तेरे साथ तो वो बड़ी भारी समस्या थी कि वो इतना बड़ा शराबी था कि उसको सोने के बाद तो उसे अपने ही पता नहीं था वो कहाँ गिरा कहाँ मरा मैंने कहा वापस कैसे जाऊँगी देखा जाएगा जो होगा हम वह पहुँच गए उस जगह पर तो मुझे रात को देख के चौंकी क्योंकि नौ बज रहे थे उस समय आज कैसे और जितना आपका कमरा बस केवल इतना कमरा चौड़ाई से भी कम आधी इतनी तो जो चौकी थी वो कोठे की मालकिन जो थी अजो कह रहे कि मेरे को देख के चौकी हाँ मालकिन हाँ बस इतनी जगह थी कि जैसे ये सोफा पड़ा यहाँ एक तखत पड़ा हुआ था और सामने एक ड्रेसिंग टेबल लगी हुई थी और बस और कुछ नहीं और दीवार पे ये सब लगाए रखती है दुनिया भर के भगवान भगवान की फोटो तो मैंने कहा भाई मैंने मुझे तो तेरे यहाँ लड़की होने की सूचना मिली है अरे मुझे क्यों कहूँ मेरा तो ये इतना सा कमरा ढूंढ लो आराम से बैठ गई तकत पे दो लड़कियाँ सो रही थी उसी में मैंने कहा आज कोई कस्टमर वस्टमर ना दे रहे आज इन हो गई ये तो दोनों लड़कियाँ है, मेरी हैं मेरी भांजी हैं ये और इनसे थोड़ी धंधा कराऊंगी मैं आज कोई है ही ना लड़की देख लो आप जहाँ देखो अब इतने से कमरे में कहाँ देखे सब देख लिया ठक ठकठका के सब चीज़ करके देख लिया कहीं लड़की नहीं मिल रही उसी भाई बोला कि मैडम फेक हो गई साहब जो है आज तिल मिलाएंगे मैंने करना साहब ना तिल माएंगे मैंने की इसमें मार जगह शीशे में मैंने कहा उनका शीशा वो मेरी शी, मेरी ड्रेसिंग टेबल तोड़ोगी मेरी ड्रेसिंग टेबल मैंने कहा तोड़ दे भाई तो मैं तुझे कह रही ना मैं इसकी ठीक करा के दूंगी ये कहेगी तो तोड़ दे अब वो तगड़ा सा लड़का था उसने दो घूसे मारे वो टूट के और पीछे तीन और शीशे के पीछे इसी जगह जैसे आपका ये दरवाजा ही ऐसे हो रहा है अंदर थोड़ा और इसके आगे आप मोटरसाइक ये खड़ी कर दो शीशा तो इतनी सी जगह में और उसको पीली पड़ रही सांस नहीं आ रहा था मैं एक लड़की ढूंढने की थी तीन लड़कियां मिली मुझे उसको सांस ही नहीं आ रहा था मतलब वो हट्टे कट्टे सिपाही भी वो इस कदर घबराया और उन्होंने जल्दी से उन लड़कियों को ऐसा भरा और क्या उम्र थी लड़कियों की सब चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह साल की लड़की और ऐसे केस में फिर जो मालकिन बैठी होती है उनका क्या रवैया होता जो पहले मना कर रही थी कि तो यार भाग रही थी भागने थोड़ी देते हैं फिर हम मेरे तो वॉल्टियर नीचे भी रहते हैं और वो सिपाही भी थे मैं तो मार मार के कदमरा कर देती हूँ फिर जो करो सो करो जो मुकदमा लिखाओ ना कितने लिखा लो मारपीट का लिखाओ रंगदारी का लिखाती हैं बहुत कुछ लिखा देती हैं तो मैंने कहा लिखा मारा मैंने कस के बहुत इत, इस बीच फिर पुलिस को फ़ोन किया मीडिया को किया सब हो तो गए तसलीस से लड़कियों को बड़े पहले डॉक्टर के लिए जाना पड़ा थोड़ा वो ड्रिप विप लगाई चढ़ाया क्योंकि कह रही थी बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो रही थी अगर और दस मिनट ना बचाओ मर जाती है लड़की तो वो ड्रेसिंग के पीछे दीवार के अंदर कर रखा था तो ये तो ये दरवाज़ा है तो ना देखिए ऐसे थोड़ा अंदर को है दरवाज़ा इसको और यहाँ तक बढ़ा दीजिए और ये ऐसे फंसा इसके सामने ड्रेसिंग टेबल खड़ी कर दें आप अंदाजे लगा सकते किसके पीछे कोई होगी लड़की इतनी सी जगह और जरा सी बस एक इंच और ऐसे एक दूसरे से यूं सटी हुई खड़ी थी बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब कई बार मुझे ऐसे मुझे चक्कर से आया घुमेर जैसे बहुत तेज ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ ही हुआ मैं इस हालत में खड़ी हूं और और वो दो सोती रही लास्ट तक वो वो सो नहीं रही थी अच्छा। थी। क्योंकि तो जताया जा रहा था कि हमारे यहाँ धंधा ही नहीं हो रहा तो वो सो नहीं रही थी वो जाग रही थी फिर मैं उनको थप्पड़ मार मार के उठाया इस केस में मैम ऐसा नहीं होता कि जैसे वहाँ के एरिया के जैसे दलाल हो गए या ये लोग ऐसे लोग नहीं रखते कि जैसे आप रेड मारने गए तो आपसे ही बचाने के लिए कि भगा के ले जाएं लड़कियों को ऐसे रख भगाएंगे कैसे जब मैं मांग चली गई तो मैं जब खड़ी हूँ बहुत छोटी जगह है बहुत छोटी जगह और भगाएंगे कैसे फिर तो मैं सबको पता है कि भाई इनके नीचे वॉल्टियर भी होते हैं रात को तो रेड बहुत कम करती हूँ दिन में ही रहती हैं ज़्यादातर तो वो भी बताया कि वो रोकेंगे फिर इस बीच मीडिया तमाम ऐसे घेर लेता है मीडिया को मैं सबसे पहले सूचना देती हूँ जैसे ही मुझे पता लगा वो है गई है लड़की और लड़की मेरे उसमें आ गई है तो मीडिया को तुरंत तो खबर करती हूँ पहले कभी ऐसा होता है हम जैसे आप गए हो रेड मारने अब आपको लड़की भी मिल चुकी है लेकिन लड़की का इस कदर माइंड वॉश कर रखा होता तो है उन लोगों ने वो कहती है नहीं मैं नहीं नहीं हम हम मैं देखो हाँ मैं स्पष्ट कर दूँ मैं रेड ही तब करती हूँ जब लड़की हंड्रेड मैं श्योर हो जाऊँ कि ये मेरे साथ है अब वो वहाँ से भागना चाह रही है भागना चाह रही है तब या फिर ऐसी स्थिति में कि जो सामने वाला है उसने मुझे इतना पक्के तौर पर कह दिया कि लड़की तो है आप कुछ भी करो इसके यहाँ मिलेगी अच्छा तभी है। है। हाँ। फेक फेक हुई है कभी आपके साथ पहले नहीं नहीं ये टच वुड की मुझे हुई नहीं फेक आज तक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब भी मैं लड़की निकालने गई और वो लड़की मुझे ना मिली हो ये जरूर हुआ है कि जैसे वो कैसे हैं कुटे आप एक जीना चढ़ इतने पतले चीने हैं कि कोई मोटा आदमी तो चढ़ भी ना पाए और वो दो तरफ खुलता है ऊपर जाके एक ये दूसरे का कोटा ये दूसरे का कोटा तो मैं इस पर चली गई बहुत देर हो गई और वो मुझे कहती रही दीदी मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आप जहाँ चाहे वहाँ कर लो मुझे भी उस पर डाउट नहीं था क्योंकि वो हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रहती थी और बता भी देती थी तो उसने कहा दी देख लो तुम ऊपर से नीचे तक कहीं चली जाओ लड़की नहीं है कहीं भी मुझे नहीं मिली लड़की और एक लड़की मिली मुझे खड़ी थी वो मैंने उसको देखा पता नहीं उसकी आंखों में भी कुछ पहचान सी नज़र आई मुझे भी वो पहचानी सी नज़र आई बहुत देर में सोचती फिर मैंने कहा भाई ये कौन है मुझे तो देखी सी लग रही है बोले आप पहचान ना रही मैंने कहा नहीं कि ये फलानी है उसने नाम लिया अरे मैंने कहा इसको क्या हुआ ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन समझते बड़ा दिखाने के लिए जो हार्मोन्स दिए जाते मतलब उस लड़की को मैं एक महीना पहले मिली तो मासूम सी बच्ची थी मात्र चौदह साल की साल तो आज भी चौदह साढ़े चौदह साल की है लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन देकर उसको ऐसे ये चेहरा बस उसका इतना सा रह गया था और ये पूरा शरीर ऐसे हो रहा था उसका एकदम अजीब से तो मैंने कभी ये भी नहीं है लड़की ये तो इसी की मुझे पता है कि इसकी बहन की लड़की है यहीं पर रहती है तब हम दूसरे पर और दूसरे पर जाती जो जब कोई मालकिन बवाल करती है मैं हंड्रेड परसेंट शोर हो जाती हूँ कि यहाँ ही है बस अब जो कुछ है चाहे वो लड़की है नहीं जिसकी मुझे सूचना मिली है कोई और है यार ज़बरदस्ती का शिकार कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम संपर्क ही नहीं कर पा रहे लड़की कभी हमसे नहीं हो रहा है हालांकि हम ऐसे करते हैं कि मान लो हम और आप बैठे हैं सामने बैठी हैं लड़कियाँ ऐसे मैं यूँ बैठ गई वो सामने बैठी हैं एक बेंच पे तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन लड़कियों से आंख मिला सकूँ अगर किसी ने आंख मिला ली और झुका ली तो मैं समझ जाती हूँ ये लड़की मेरा टारगेट है ये ज़बरदस्ती है हाँ। इसको रेस्क्यू करना है।, है। करना है और बाकी जो बेशर्मी से ही देखती ना या फिर जी उस पर खड़ी हो जाए मैं सोचू ये है नहीं अभी अभी नहीं है बाद में देखा जाएगा उस लड़की को मैं फोकस करती हूँ फोकस ऐसे करती हूँ कि जैसे एक लड़की बैठी मैं से निगाह मिली तो उसने मुझसे ऐसे माथा चढ़ाया मैं हंस पड़ी उसने फिर मुझे देखा तो फिर उसने मुँह यूँ कर लिया मैंने फिर देखना बंद कर दिया उसकी तरफ मैं अगले दिन फिर गई तो अगले दिन मुझे उसके यहाँ पे बहुत सारे निशान दिखे ऐसे क्योंकि खुला बदन रहती हैं ज़्यादातर बड़े गले के ये सब मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा क्योंकि मालकिन बैठी थी उससे भी मुझको थोड़ी सी पर्दादारी रखनी थी तो मैंने उससे पूछा ये क्या तो उसने कहा तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी तो उसने कहा यह उसने कहा कस्टमर ने किया मैं इनका मना नहीं कर सकती थी तो उसने कहा पैसा तो कहा पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं तो उसने कहा भूख ये उसने कहा तो मैंने सोच लिया कि मेरा टारगेट है लेकिन वो बहुत बुरा टारगेट था उसको तो मैं मैं शायद बचा नहीं सकी मर गई वो रेस्क्यू करता नहीं वो असल में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मेरे साथ बहुत घुल मिल गई थी और माँ बुलाने लगी थी तो आप उनको वहीं विजिट करते थे या हाँ। फिर आपने रेस्क्यू कर लिया था नहीं, नहीं, नहीं रेस्क्यू नहीं किया था वहीं पे विजिट करते था, आप पर हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी रेस्क्यू का वक्त ही नहीं आया था क्योंकि मुझे दो तीन महीने लग जाते हैं एक लड़की को रेस्क्यू करने में तो मैं बस मिलती उससे सुंदर बहुत थी लड़की उसने बताया अल्मोड़ा की हूँ पहाड़ की हूँ बड़ी प्यारी सी थी मेरे एक दो कार्यक्रम में भी आई जैसे हम लोग कुछ रैली वैली उनके उसमें निकाल रहे तो आती थी फिर एक दिन बड़ी खुश थी पहले तो बैठी आके मेरे पास बोली तो आज एक बात बताऊँ मैंने कहा क्या तो नहीं आज नहीं बताती कल बताऊँगी मैंने कहा आज ही बता दे उत्सुकता क्यों जगाती है बोली फ़ोन करूँगी क्योंकि आने वाली है दीदी -दी। मैंने कहा अच्छा मैं चली गई उसने मुझे अगले दिन फ़ोन किया मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझसे शादी करेगा शादी करेगा पक्का बोले हाँ आप जानती हो मैंने बता जरा नाम बता तो उसने जो नाम बताया मेरे मेरा ऐसा हो गया सिर्फ उठ जाएगा तेरा मैंने कहा तू क्या कह रही है बोले हाँ सच में मैंने अभी कहा अभी कहाँ है मैं पी से फ़ोन कर रही हूँ आपको तो? मैं वहीं रुक में आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी बाइक वाला अपना वॉल्टियर उठाया मैंने कहा मुझे जल्दी से ले कर मैं वहाँ गई मेरी गलती है वो मैं उस गलती को कभी नहीं भूलती मैंने उसका हाथ पकड़ा पी से निकाला पी में बैठी रही हूँ इतनी देर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आई और बाहर ला के जैसे ही मैंने उसको चौराहे पर पखड़ा किया वो मैंने कहा वहाँ देख सामने उसकी घुड़छड़ी हो रही थी उसी लड़के की उसने एक मिनट तो मेरी तरफ क्यों देखती रही और फिर देख के उसने मुझसे हाथ छुड़ाया उस लड़के की शादी हो रही थी जिससे वो प्यार का उससे नाटक कर रहा था कर रहा था वो मुझसे हाथ छुड़ा के चली गई मैंने भी नहीं देखा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलट के देखूं ये आवाज़ लगाऊं मेरी हिम्मत नहीं हुई वो चली गई और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊँ हाँ पूछूँ क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कितनी बड़ी गलती कर दी है उसकी जो छोटी सी खुशी थी वो छीन ली ऐसी जीने देती उसे निकलना वो नहीं चाह रही थी क्योंकि उसका बेटा था एक पाँच साल का जो उन्होंने अपने उसमें था बेटा वो अलग एक स्टोरी है कि कैसे बच्चों का सब किया जाता है बीत गए महीने दर महीने बीतते चले गए दो तीन महीने बाद उसकी मालकिन का मुझे एक दिन फ़ोन आया मैं जाती नहीं थी उसके यहाँ जैसे चोर हो गई थी मतलब मैं उसके सामने शक्ल नहीं दिखा पा रही थी मालकिन ने मुझे कहा कि दीदी आ जाओ और वो रो रही थी मैंने कहा कहाँ तो उसने एक नर्सिंग होम का नाम लिया मैं वहाँ क्यों क्या आप आ जाओ बस मैं फ़ोन पे नहीं कह सकती कुछ भी मैंने सोचा किसी लड़की के साथ कुछ किसी दलाल ने बदतमीजी कर दी है या वो मिरच से इस्तेमाल करती हैं वो सब हो गया है तो मैं चली गई मैंने देखा कि वो इतनी सुंदर लड़की और वो ऐसे बिस्तर पर पड़ी हुई कि सिर्फ काली जैसे लकड़ी हो एक पड़ी ढांचा हड्डी का मैंने कहा ये क्या हुआ इसे तो हंसी वो हंसी मैं कभी नहीं भूलती और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा नहीं नहीं मेरा हाथ मत पकड़ो मैंने कहा क्यों कि मुझे तो एड्स है मैंने कहा ये क्या है भाई मैंने उससे पूछा वो रोने लगी मालकिन बहुत रोई मैंने पहली बार किसी को ऐसे रोते हुए देखा और उसने मुझे कहा कि दीदी पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता लेकिन इसने इतनी हद कर दी थी कि ना तो प्रिकॉशन ना कुछ और दिन भर में इसने बीस पच्चीस तीस जितने कस्टमर जाए इसने कोई नहीं छोड़ा और मैं कहती कि क्या कर रही है तू थक के पस्त हो जाती मरने को हो जाती तब ये बिस्तर पर पड़ती मैंने उससे कहा कि तूने क्या किया बेटा तू मुझे एक बार फ़ोन तो करती बोली नहीं मैंने मैं तो मैंने कहा वो आया फिर तेरे पास बोले हाँ मैं तो रोज़ मिलती उससे मैंने कहा तूने उसे बताया कि मैंने देखा तेरी शादी है पर नहीं मैंने बताया उसको मैंने कहा सॉरी बेटा मेरी गलती होगी चल मैं तुझे दिल्ली दिखाऊंगी यहाँ नहीं 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 मेरा तो आखिरी समय है अब आप कुछ मत कहो और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कुछ वो मालकिन फिर रोने लगी मैंने कहा क्या कह रही है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कहने लगी कि दीदी उसे भी एड्स हो गया है लड़के को किसी ने उसे भी दिया है और अभी इंतजार कर रही है वो दूसरी जगह नर्सिंग होम है कि वो मर जाए तब मरूंगी और ये इसकी इच्छा शक्ति है कि ये नहीं मर रही आप ये देखो कि ये इसका मन है ये कह हर बार जैसी वो नर्स कहती है कि देखो इसकी कोई सांस रहे फिर सांस लेती है और कोई वक्त रह रहा है इसका केवल और जैसी किसी का फ़ोन आया उसने कहा कि वो ख़त्म हो गया मालकिन ने कहा मालकिन को किसी का फ़ोन आया उसने छोड़ रखा होगा कोई वहाँ पर वो मर गया मैं बता नहीं सकती हूँ आपको वो कितनी कितनी मतलब विद्रुप हंसी थी मैं जिसे आज तक भी नहीं भूल पाती ऐसी अजीब सी खरखराती सी आवाज़ में वो हंसी और एक सेकंड में चुप हो गई वो मैं अपराध बोध कभी नहीं भूलूंगी और शायद मरते दम तक कभी भूलूंगी नहीं वो एक फेक रेड थी मेरी रेस्क्यू था उसको रेस्क्यू करके भी मैंने रेस्क्यू नहीं किया मैं आप पानी ले लो थोड़ा सा <coughs> मैंने बहुत कोशिश की उसके बाद मैं उसका बेटर ले सकूं लेकिन उन्होंने मुझे उसकी हवा भी नहीं लगने दी वो बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है बहुत मैंने हाथ पैर जोड़े बहुत उसे कहा कि तेरा भी अपराध कम कुछ मेरा भी कम होगा बट मालकिन ने आपको खुद बुलाया था फोन करके तो वो इस केस में ऐसे नहीं थी सपोर्टिव नहीं नहीं दिया फिर भी वो बच्चा बहुत काम मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है आपको पता है कहाँ है नहीं, नहीं मैम आपने बीच में ऐसा बताया था कि हम कैसे नंबर देते हैं हाँ। ये भी मैं आपको बताऊंगी तो वो हाँ। कैसे होता है नंबर वाला वो हम फिर क्या करते हैं कि जैसे मुझे लग जाए कि लड़की अब मेरे साथ आई कांटेक्ट में है थोड़ी थोड़ी बात करेंगे फिर बात करके किसी भी दिन में ऐसा कहूँगी यार मैंने कहा यहाँ आज मेरे पास बैठ बात करेंगे लड़की को अगर रेस्क्यू वाकई होना और मुझ पर भरोसा जताना वो आके बैठती है और नहीं बैठी तो मैं साथ चली जाती या वो खिड़की पर लटक रही है और मुझे उस लड़की से लग गया है कि ये आई कॉन्टेक्ट में मेरे संपर्क में है तो मैं पर्चियाँ तो इतनी सारी मेरे सब वॉलेंटियर्स की जेब में रहती हैं जब भी जाओ पर्स में भी रखती हैं अपने मैं सब चीज़ में तो मैं एक पर्ची ज़रूर उस समय हाथ में रखती हूँ इतनी सी पर्ची की उसको अगर ऐसे भी करके रख दो तो खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं लगता तो मैंने वो उसके हाथ में देनी है जो लड़की खड़ी है और उसकी मुट्ठी बंद कर देनी है एक बार दिखा के अच्छी तरह से करके तो उसे अगर समझ अगर उसने मुठ्ठी नहीं खोली तो मैं समझ जाती हूँ मेरे बात देखेगी रेस्क्यू होना चाहती मतलब निकलना चाहती है यहाँ से और मुझे फ़ोन करेगी और नाइन्टी नाइन परसेंट मेरे पास फोन था मैम उस चार महीने जो आप लेते हो उसके बाद आपके पास फोन आ गया हाँ। तो चार महीने में आपके क्या प्रोसीजर रहते हैं क्या देखिए सबसे तो ये कि मैं इतनी ज़्यादा उससे आत्मीयता बढ़ाती हूँ लेकिन मालकिन उसको पहले ही समझा के कि मालकिन को तो पता जिस दिन लगेगा कि मेरी तेरे से थोड़ी सी भी आत्मीयता है तो ये तुझ उस पर सख्ती करेगी मेरे सामने बैठने नहीं देगी जब भी वो नहीं होती है मुझे एक फ़ोन करती हैं आ जाओ फ़ोन नहीं होता उनके पास वो नीचे आएंगी सामान लेने कुछ भी जब उनका बच्चा काबू में कहाँ जाएंगी जाती जाएं। तो है नहीं तो फ़ोन कर देगी कि तो दीदी नहीं आ जाओ चली जाती हूँ तो उस समय मैं जो बात करती हूँ उनसे दूसरी लड़कियों को भी ना पता लगने दें ये सब हमारी सब इच्छा इतना मैंने अपनी चार पांच मेरे वॉल्टियर्स हैं महिला जो बिल्कुल ट्रेंड हैं कि जो आंखों से हाथों से इशारे से बात कर सकती बिल्कुल आप ये समझ लो जैसे एक बहरे से बात करनी हो तो उस तरह से हम लोग उनसे बात कर सकते हैं उसमें मैं लगातार उनसे ये पूछती हूँ तुम कहाँ की हो माँ बाप क्या करते हैं घर में कौन कौन है और क्या एक्सेप्टेंस क्या है अगर मैं ये बताऊँ यहाँ का तो मैं बताऊँगी ही नहीं लेकिन मैं बताऊँ मेरे पास काम कर रही थी तो क्या वो रखेंगे हुँ. तो वो ये सारी चीज़ें जब उनसे मैं पूछ लेती हूँ फिर एड्रेस पूरा पूछती हूँ फ़ोन नंबर उनके पास होते नहीं किसी के भी अपने घर के तो होते ही नहीं है हाँ लेकिन बताती मान लो नेपाल की लड़की है कि मैं जीवनपुरी की हूँ मुझे आप वहाँ पता कर लो उसके लिए हमारे हमारा हाँ, है टाइप भी रखते हैं जैसे नेपाल में है संस्था माइती जो इन्हीं के लिए काम करती है उनका रेस्क्यू होम भी है जहाँ लड़कियाँ रखते हैं जब हम देते हैं उन्हें तो वो इसी में रखते हैं उनके साथ टाइप करके भी हम रेस्क्यू करते हैं तो वहाँ से उन उनसे पता करवाते हैं भाई इसके घर का पता कराओ हम इस केस में वैसे एक्सेप्ट करते हैं घर वाले ऐस्क्यू? वो ये नहीं बताते ना हम कि वो कोठे पे थी ये तो हम बताते हैं जिनके घर से ही हम पे सूचना है जैसे एक लड़की नेपाली लड़की निकाली उसके भाई की ही सूचना थी हमारे पास ओके okay. हाँ और एक एक चीज की सूचना थी कि नीचे इस चीज की दुकान है और ये बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सब उस लड़की ने बताया अपने भाई को नेपाल से भी लड़के यहाँ पर आई हैं ऐसी कोई कंट्री कंट्री और भी किसी से लड़कियां बाहर एक लड़की अफगानिस्तान से आई अच्छा और हम उस लड़की को बड़ी सुंदर सी थी तो वो हमेशा ऐसे ना जैसे वो पहनते हैं ये हिजाब टाइप का इस तरह का ऐसे रखती थी एक इधर को एक इधर को और मैंने बहुत बार कोशिश की कि आई कॉन्टेक्ट करूँ लेकिन वो करती ही नहीं थी ऐसी बैठी रहती थी तो मैंने उसकी वालकिन से कहा मैंने कहा ये तो कस्टमर से भी ऐसी बात करती होगी बोली तो बोलती नहीं है मैं क्यों ऐसी नहीं बोलती बस ऐसे ही कम बोलती है थोड़ा तो मैं मैंने कहा अच्छा मैंने कई बार पूछा बेटा नाम क्या है तुम्हारा नहीं मैंने कहा अच्छा यहाँ आके बैठो नहीं आई बहुत तो सब हो गया फिर एक दिन मैंने कहा भाई सुनो ये तो मेरा मतलब अगर मैं बोल रही हूँ और मैं ऐसे करके बोलती हूँ कि सामने वाले को समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ अगर वो गूंगा बहरा भी है तो उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ तो मैंने कहा ये बिल्कुल समझना क्यों नहीं चाहती तो बोलिए समझती ना यहाँ की भाषा इनका ये पता तो ना कहाँ की मुझे ना पता कहाँ की ये तो हम हम ही ना समझते कस्टमर आवे आम भेजना चली जा बात करते ऐसे उसने बोला लापरवाही क्योंकि उसके प्रति बिल्कुल मतमिन थी कि ये तो कोई भागी नहीं सकती ना भाषा जानती ना कुछ जानती है, कहीं नहीं जाएगी मुझे ये लगा कई दिन तो मैंने कोशिश की बात करने की नहीं हो पाई फिर मैंने एक दिन क्या किया मैंने अपने पर्सनों से एक रखती हूँ पैड पेन मैंने उसको दिया मैंने क्या वैसे ही मैंने लिख दिया कि वाट इज़ योर नेम ये देखती हूँ अंग्रेजी जानती है क्या फट से ले लिया उसने एक सेकंड में लिखा और सफ़िया उसका नाम था और जो उसने लिखना शुरू करा तो दो पेज भर दिए वो दिल्ली में पढ़ती थी पढ़ने के लिए आई हुई थी बी कर रही थी और क्या बोलकर फंसा गया था कोई किसी से प्यार हुआ वो भी मुस्लिम था ऐसा नहीं कि नहीं था और ये कहा कि भाई वहाँ जब हम यहाँ निकाह कर लेंगे और एस्टर मैरिज करा लेंगे फिर तुम्हारे फ़ादर क्या करेंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा चलिए आई लड़की अब हमारे सामने तो बड़ा सवाल कि इसे अफ़गानिस्तान कैसे भेजेंगे ये तो बड़ी दो देशों के बीच की इतनी बड़ी समस्या को हैंडल मैं नहीं कर सकती फिर भी मैंने उससे पूछा बेटा पूछा उसमें कि वीज़ा का क्या स्थिति है उसने लिखा एजुकेशनल वीज़ा

नहीं देगी तो मैं पुलिस बुला रही हूँ पहले और जो तेरा हाल करूँगी फिर तुझे तो पता नहीं अंदाजा और मीडिया बुला रही हूँ मैं खैर वो डर गई उसने हमें दिया पासपोर्ट उसने दिया था वीज़ा वीजा का सत्ता निकाला अभी सबसे सब बड़ी समस्या ये थी कि हम उसके कॉलेज गए तो कॉलेज वालों ने कहा कि भाई हाँ वीज़ा तो है यहाँ एजुकेशनल वीज़ा पे भी है वो लेकिन वो तो काफ़ी टाइम से गायब है कितना समय हो गया वो लगभग पाँच छः महीने हो गए अब हमें नहीं पता कि वो वहाँ चली मैंने कहा आपने कुछ किया भी नहीं उनके घर वालों को या किसी को पूछा हो बोले अब बच्चे आजकल कहाँ कौन किसी को इतना सब कर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तो कहाँ वो करते हैं और हम इतने ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ते हैं वो तो आएगी तो अपने आप आ जाएगी अभी तो उसका एजुकेशन भी कहीं घूमने फिर ये लड़कियाँ तो घूमने फिरने चली जाती हैं दोस्तों के साथ कहीं भी और आ जाती हैं फिर ऐसे उनको तो अपनी फ़ीस से मतलब था फ़ीस जमा हो चुकी थी इतने समय की अब सोचो बहुत मुश्किल हमने कहा भाई ये इसका जो भी प्रेमी था वो छोड़ के चला गया हमको मिल गई हम भाषा नहीं जान रहे थे ये हमारी नहीं जान रही थी लेकिन आज हमें ये बात समझ में आई कि इंग्लिश भी जानती होगी तो तब इसने हमें लिख के दिया है हमने नहीं बताया कि भाई ये है कॉलेज मैंने कहा अपने इनके घर वालों को पहले हमारे सामने फ़ोन करो जो भी आपके पास नंबर होगा उन्होंने करा उसमें हमें दो तीन दिन लगे प्रोसेस में दिल्ली रुके दो तीन दिन लगे मैंने कहा हम लड़की नहीं देंगे जब तक इसके पेरेंट्स को बुलवाओ उन्हें कहो कि आए तो उन्होंने कहा ठीक है वो आए उन्होंने टाइम दिया हमें पंद्रह दिन का मैंने कहा लड़की रखोगे बोले हाँ इसका हॉस्टल में कमरा है मैंने उससे पूछा फिर बेटा रहेगी उसने कहा हाँ अब मैंने कहा अब तो ये हिसाब हटा दे इसे कब तक रखेगी अब तो आप इससे दहल जाओगे कि जब उसने वो हटाया वो हटा नहीं रही थी मैंने जबरदस्ती हटाया तो इतना चेहरा उसका जला हुआ था मैंने कहा ये क्या मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि इसका चेहरा जला हुआ था नहीं नहीं अरे तो इतनी सुंदर इतनी प्यारी बच्ची मैं इसके वो प्रिंसिपल जो थी वो बोली कि जो डीन थी उसकी कि अरे मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी अगर वो भी मुस्लिम थी मैं क्या जवाब दूंगी और ये तो आई मेरे उस पर है क्योंकि मेरे भाई वहाँ रहते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे इसको यहाँ एडमिशन व एडमिशन मिला और मैं क्या जवाब दूंगी ये क्या हुआ है तो तब उसने बताया कि उस लड़के ने जलाया कोई चीज़ कपड़ा या क्या ये पन्नी बता रही क्या चीज़ वो कह रही है समझ नहीं आया वो ऐसे मारा है इसके तो डोमेस्टिक वायलेंस करता था उस पर मारपीट तो, तो वो इतना जल रहा इतना भद्दा हो रहा था कि तब मुझे लगा कि वहाँ देह के अलावा कुछ नहीं है किसी को चेहरे से सुंदरता से किसी को कुछ चीज़ नहीं लेनी वहाँ इतना बुरा और वो ऐसे रोई फिर जो फूट फूट के कि मैं मतलब मैं दहल गई बिल्कुल एकदम मैंने उसे कस के गले लगाया और मैंने फिर उसे कहा थोड़ा सा मैंने कहा बेटा बेशक तुम बाहर की हो पर भाई बेटी हो हमेशा या और हम टच में हैं आज भी ओह तब तो अपने देश में वापस चली गई हैं पंद्रह दिन हाँ पंद्रह दिन बाद लोगों ने हमें बुलाया हमसे लिखा पड़ी कराई काफ़ी सारी कुछ एफिडेविट्स दिए कि हमारे पास थी इस समय नहीं बता पा रही थी लड़की ने उनको एग्री किया कि हाँ मैं इनके घर पे रह रही थी मैंने बताया ही नहीं और घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था हाँ, उनको हाँ उनको वो बताया ना उनकी प्रेम ही ले गया था और उसी ने ये जला के ऐसे छोड़ दिया तो हम हमने फिर इसको रख लिया था अपने पास मिल गई थी हमें घूमते फिरते हरिद्वार बताया हमने कि हमें हरिद्वार मिली थी हरिद्वार ले गया होगा तो मैम जैसे आपने बताया आप मालकिन से बिल्कुल लड़ जाते हो जब चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं तो वो ऑब्वियसली बात है वो भी आपके पीछे आते ही होंगे तो आप बता रहे थे आपके एक्सीडेंट्स हो रखे हैं दुनिया भर के तो वो कुछ वो वो दुनिया भर के मुकदमे हैं और एक्सीडेंट तो वो तो मारने के लिए हुआ था खैर क्या हुआ था वगैरह ये दिसंबर इकतीस दिसंबर दो हज़ार दस की बात है <coughs> और मेरी बेटी की शादी थी ग्यारह जनवरी की तो हम लोग कार्ड बांटने निकले और हमारे साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं पुलिस में थे वो साथ में थे उन्होंने कहा कि थोड़ा सी दूर हम अपने घर से निकले थे तो उन्होंने कहा कोई फॉलो कर रहा है मैंने कहा ये तुम्हारे दिमाग में पुलिस या जो खराफात चलती है ना उससे ही तुम कहने लगे हो तो अब बोले नहीं तुम देखो पीछे कोई देख रहा है हमें कोई मतलब फॉलो कर रहा है बल्कि तीस दूर में कौन फॉलो कर रहा है चलो हम दो तीन किलोमीटर चले गए उन्होंने फिर रोकी गाड़ी बिल्कुल चौराहे पहुँच के कि नहीं कोई फॉलो कर रहा है उन्होंने किसी को फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई वो गाड़ी अगले चौराहे पर जो है मुझे दो जगह बताई वहाँ पर दे दो तो वो ले आया और इन्होंने थोड़ा हट के थोड़े कॉलोनी के अंदर जाके और गाड़ी बदल ली गाड़ी बदल के फिर बाहर आए अभी दो किलोमीटर भी नहीं चले थे हमने मतलब एक तरह से शहर पार ही किया था मेडिकल तो वो फिर बोले कि नहीं कोई फॉलो कर रहा है मैंने कहा इतना क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भी कोई तुम्हें फॉलो कर रहे को भी तुम्हारा ही होगा तुम्हारे सब पचास दुश्मन हुए रहते हैं बोले नहीं नहीं ये तो कोई दुश्मन नहीं है ये या तो कोई बहुत अपना है या कोई बहुत बड़ा दुश्मन है तुमने तो पचास दुश्मन पाल रखे हैं मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं हम फिर भी चलते रहे जैसे मतलब मेरी बेटी तो नहीं निकाल रही थी लेकिन गांव में उसके सास ससुर को मुझे देने जाना था तो जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और ये यहाँ से उसका रास्ता कट रहा है तो उन्होंने थोड़ा कच्चे पे उतारी और बस मुझे इतना याद है कि एक सेकंड में उन्होंने मेरा यहाँ से सिर पकड़ा और मुझे नीचे कर दिया जो मेरे साथ थे और ख़ुद उन्होंने मतलब वो गाड़ी शायद रोक भी नहीं पाई या क्या हुआ पता नहीं हमें नहीं पता फिर क्या हुआ फिर तो किसने हमको ला के शहर में शहर वहाँ से बीस किलोमीटर किसने एडमिट कराया किसने क्या किया वो तो मतलब पूरी तरह डैमेज हो गए थे मैं अगर बताऊँ तो ये सब टूट गए उनके ये टूट गए ये सब दोनों तो हाथ वाथ सब टूट गए कैसे वो मुझे इतना तो याद है कि जिस भी वाहन में हम थे तो उन्होंने बस ये करके कहा मुझे मेरे बहुत दर्द है ऐसे तो मुझे उनकी घड़ी दिख रही है बस और मुझे कुछ याद नहीं ना उनको याद है क्या हुआ हमारा किसी ने फिर अच्छा देखो सुनो उस गांव के ही सैकड़ों लोग निकल के गए वहाँ से और बस ये तो सब कहते रहे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ पता नहीं बचे होंगे या नहीं लेकिन किसी ने हमें नहीं देखा वो जब बाद में पता लगा रही वो तो उनका मेरे वारंटियर भी उस गाँव के हैं दो तो उनका वो तो मैडम थी उसमें गाड़ी में अब ये मेरी गाड़ी होती तो वो पहचान लेते लेकिन वो गाड़ी बदली हुई थी तो तब उन्होंने बताया कि कुछ पैसे भी थे क्या आपके पास मुझे होश आए उन्हें तो छः महीने बाद आया था होश भी नहीं आया था वो कोमा में चले गए थे तो मैंने कहा हाँ पैसे थे मैं गाड़ी बुक करने जा रही थी उसके लिए तो ज़्यादा नहीं एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए थे बोले वो तो ऐसे लूट रहे थे तो लोग जैसे इन ये मर जाओ तो मर जाओ कोई मतलब नहीं पैसे ऐसे लोगों ने लूटे ये मुझे पता ही नहीं कि भाई आप होश में नहीं मैं तो वहीं रुक जाता और जो मतलब फिर मुझे जब तक होश नहीं मुझे भी कई दिन बाद आया था होश तो जब मुझे होश आया तो मेरा भांजा बैठा हुआ था बहन का बेटा तो उसने मुझे कहा कि वो आया था नाम लिया जो वहाँ का सबसे बड़ा आला था मैंने कहा वो क्यों आया था कह रहा कह देना इनसे जब भी होश आए कि मुझे माफ़ कर दे से गलती हो गई मैंने, मैंने कहा तूने क्या कहा मैंने कहा चला जा जिस दिन आप खुलेंगे ते इलाज करेंगे अच्छी तरह से चला गया वो आया नहीं मतलब मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया फिर फिर मैं घर चली गई वो तो खैर दो साल बिस्तर भी रहे उन्होंने वैसे रिटायरमेंट लिया सची फिर ये बंदा एक दिन मेरे घर आया जो दलाल था जबकि घर किसी की मेरे में कभी एंट्री नहीं थी वो आया तो मुझे आ, क्योंकि घर पे से ही मैं काम कर रही थी अभी चल फिर नहीं रही थी तो मुझे एक मेरी साथी थी उसने कहा कि दीदी वो आया है क्यों आया पता नहीं वही तो कर रहा है एक बार हाथ जोड़ रहा है एक बार मिलवा दो मैंने कर लिया चलो घर आया क्या करेगा जो मारना था मार लिया अब क्या करेगा बेटी की शादी कुछ दिन को पोस्टपोन की थी हमने पंद्रह बीस दिन पीछे कर दी थी आया और आके वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगा मुस्लिम था लगी लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ के बहुत बुरी तरह से रोया मुझे माफ़ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने कहा कर तूने कराया हाँ मैंने कराया तो मैंने कहा फिर अब क्या बात होगी या कोई और नया ड्रामा बोलना कोई ड्रामा नहीं है बस मुझे माफ़ कर दो एक बार ये कह दो माफ़ कर दिया मैंने कह दिया कर दिया तो उसने एक काला सा धागा निकाला ये बांध दो मुझे मैंने कहा ये क्यों बोले आपके यहाँ तो राखी बांधते हैं तो मैंने कहा भी राखी थोड़ी है बोले बांध दो मैंने बांध दिया बल्कि ये सारे मुझे बाहर भी बैठी लड़की गई मुझे टिक टिक करती रही पता नहीं क्या करती छोटी थी तबीयत तो शादी भी हो गई इसकी पता नहीं क्या इसके कहने में आ गई और ये फिर कुछ करेगा मेरे कुछ नहीं करेगा जी उसके बाद जब तक वो जिया अभी उसकी डेथ हुई है वो हर साल मुझसे राखी बंधवाने आया और यहाँ तक उसने किया कि अगर मैं बाज़ार में गई हूँ और मैं उसने मैं चालीस बयालीस लड़कियाँ निकलवाई अच्छा करी और अगर मैं आ गई उसने देख लिया मुझे कि मैं हूँ और मैं जाने के लिए खड़ी हूँ तो रिक्शा बुलाता उसे पैसे भी खुद देता वहाँ छोड़ गया बोल नहीं नहीं यहाँ तुम आती हो ये मेरा घर है और बहन अपने आप नहीं जाएगी मैं दूंगा उसके मतलब तो बदलाव की मैं एक बात कह लूँ जो कि वो वहीं से पनपा वहीं से बड़ा उसी के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता था अभी 2022 में उसकी जत हुई तो लास्ट टाइम तक उसने मुझे पूरा वही सम्मान दिया जो एक बहन को देना चाहिए था मैम आपने इतनी बच्चियों को बचाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और आपका काम भी थोड़ा ऐसा है कि अब इसमें पावरफुल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ऐसे थ्रेड कॉल्स भी आते हैं मैसेजेस या फिर ऐसा कुछ नहीं कॉल्स तो मुझे कभी नहीं आए थ्रेड कॉल्स तो नहीं आए लेकिन मुकदमे होने में मुझे तब पता लगता था जब दूसरों से पता लगे कि एक मुकदमा और हो गया अच्छा उनका कब हुआ वो तीन महीने हो गए अरे मेरे को तो मुझे तो नहीं पता लगा बोले जब सम्मान आएंगे तो पता लगेगा तो मैंने कि गिरफ्तारी वफ्तारी तो करके ले जाए एक आध बार थोड़ा समय मीडिया में हाइप सी आ जाएगी कि गिरफ्तार हो गई बोले ना कोई नहीं अब नहीं कोई आ रहा तो नहीं आ रहा है तो मुकदमे बहुत हुए मतलब आप पे किस चीज के केस हो जाते हैं मुझे कहते हैं फिरोती वो मारपीट मालकिन के साथ जो हाँ, फिरोती और रंगदारी अच्छा हाँ? आप पे उल्टा डाल देते कि हाँ। हमसे पैसे, दारी मांग दारी मांग पैसे मांग रही है पैसे मांग रही है तभी तो निकाल रही है लड़कियाँ मैंने कहा पैसे मांगू फिर भी निकाल दूंगी लड़कियाँ बताओ फिर भी छोड़ती नहीं तुमको बाजार नहीं चलने देती बताओ मैम असली अगर देखा जाए तो जैसे कबाड़ी बाजार एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो क्या जो कोठे की जैसे लड़कियां तो मजबूर हैं कोठे की मालकिन भी कहीं ना कहीं मजबूर है या वो होते सोते होशो आवाज में सब चला रही हैं वो ही असली मालकिन है या उनके ऊपर भी कोई है जिसका उन पर प्रेशर है देखो कुछ तो ऐसी हैं मैं अब तो मैं सुन के हैरानी होगी जहाँ अमिताभ और राजीव गांधी जैसे लोग पढ़े हों उनके बच्चे पढ़ रहे हैं शेरवुडो में बच्चे पढ़ रहे हैं दार्जिलिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके तो अब तो उनकी वो जरूरत बन गई उनको उस बच्चे बच्चों को उस दलदल से निकालना है और हमें अपनी को दलदल में देना है हमारे जैसे देने वाले तो बहुत है ना अच्छा। प्यार में फंसा और दे दो उन्हें तो उनका पैसा कमा कर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रही है वो ओके किसके वो मजबूर नहीं है अब उनकी वो आदत में शुमार है उनकी जरूरत में शुमार है इतना पैसा किस अगर उनको कहने लगो हो घर में झाड़ू पूछा कर लो मिल जाएगा उनको कौन कराएगा कौन कराएगा झाड़ू पूछा मैं सबसे पूछती हूँ जो लोग कहते भी हैं ना कि भाई ये काम करना नहीं चाहती रखो अपने घर में एक झाड़ू पोछा करने के लिए चौबीस घंटे घर की मालकिन नज़र रखेगी इन पर मेरे बेटे को तो नहीं देख रही मेरे पति को तो नहीं देख रही अगर उन्हें खड़े होकर बात भी कर ली तो उसके दो थप्पड़ लगाएगी मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है तो वो जो लगा हुआ है ना उनके माथे पे कलंक वो नहीं छूटता इसलिए मैंने कभी काम की हाँ मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं लड़कियाँ एक दो को नर्सिंग होम में भी लगाया है वो भी उनकी आइडेंटिटी छिपा के मैम आप एक ब्राइट साइड बता रहे थे कुछ आप शेयर करना चाह हाँ। रहे थे मैं चाहता हूँ आप वो शेयर करो देखो पहला ब्राइट साइड तो यही है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं बताऊँ कि एक महिला जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसकी नानी माँ और वो खुद और उसकी बेटियाँ खुद इसी धंधे में उस महिला को एक दिन एक फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन के बदले में मुझे फ़ोन करती है कि यहाँ पर आ जाओ मैं वहाँ जाती हूँ तो लहू लुहान दो आदमी एक स्त्री एक पुरुष और एक छोटा सा बच्चा और बच्चे को वो उठाए खड़ी है हाथ में कट वो जो सेक्स वर्कर थी मैंने कहा क्या है ये बोले आप पहचान नहीं रही ये फैलाना है वो आदमी उसका कस्टमर था अच्छा और थोड़ा उससे आत्मीयता थी उसकी और वो उसकी बीवी थी और वो उसका ढाई महीने का बच्चा था उसने उसके हाथ में दे दिया कि इसकी ज़िंदगी तेरे हाथ में वो हिंदू औरत थी राजस्थान की ये मुसलमान था उन्होंने ऐसे कैसे सीने लगा लिया अपनी लड़कियाँ वहाँ हैं और उसके बाद उसको बी टेक कराया बीटे उसकी पूरी फैमिली पाली क्योंकि उसकी बड़ी फैमिली थी उसके तो चार तो भाई बहन ही थे पाँच वो छोटा बच्चा था ढाई महीने का वो दोनों मर गए थे जब हीस उस पार्टी उसको पूरी पढ़ाई करी उसकी बहनों की शादियाँ करी बर्बाद हो गई कंगाली की हालत में आज कोई अंतिम सांसें गिन रही है मकान बिक गया घर बिक गया आखिर में उसको शोरूम कराया उसने कहा मुझे तो जॉब नहीं करनी और शहर के पौष बाज़ार में जो सबसे फेमस बाजार है उसमें उसको एक शोरूम खुलवाया चश्मों का वेल सेटल्ड किया सारी फैमिली को उसकी शादी की और खुद का अंतिम समय पे है तो माँ हर किसी के दिल में है कोई ऐसी बात नहीं बट मैम आप ये भी बता रहे थे कि वो माँ तो है पर वो अपने बच्चों से लगाव नहीं करती जो वहाँ की सेक्स वर्कर्स हैं कैसे करें क्योंकि वो उसके बाप से पैदा तो है नहीं वो उन्हें तो पता नहीं कि ये कौन था जिससे पैदा हो गया तो उनके लिए तो वो एक बोझ है ना उसी की वजह से तो उस नर्क में पड़ी है मां की ममता तो है अंदर लेकिन उसकी वजह से वो उस नर्क में भी तो पड़ी है दोनों पक्ष है ना उसके सामने तो कि ये ना होता तो तो मैं मैं भाग तो जाती। मैं भाग जाती ये जहां भी है वहां है वो सुरक्षित रहे क्योंकि मैं जाऊंगी वो कभी मां होने के नाते ये सोच ही नहीं पाती कि तू तो भाग भी जाएगी तो उस बच्चे का कुछ नहीं करेंगे उनके लिए तो वो कमाई का साधन है वो सोच ही नहीं पाती कोई भी मां नहीं सोच पाती एक मां पे बिल्कुल आप हथियार रख दो फिर भी वो ये कोशिश करेगी मेरा बच्चा बचा रहा है मुझे मैं मर जाऊं तो हाँ वो मर रही है तिल तिल करके तो जिन सेक्स वर्गस के यहाँ बेबीज नहीं भी हैं वो लोग भी जबरदस्ती अब काम कर रही है अब उनको अगर मौका दिया जाए भागने का फिर भी वो नहीं भाग से, कौन देगा मौका कौन एक रेस्क्यू करने में पसीने आ जाते हैं एक रेस्क्यू करने में वो लड़की नहीं हम भी सौ बार मरते हैं अगले दिन की सुकून से सोती हूँ उस रात लेकिन अगले दिन की इंतजार करती हूँ अखबार क्या लिखेगा एक दिन लिखा समाज सेवा या गुंडई क्योंकि बिना मारे आप आप चाय पिला के किसी से कहेंगी लड़की दे दो देगा तो मारती हूँ मैं उनसे ज़्यादा गंदी गालियाँ देती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ मेरे एक साथी थे बहुत बोले मैं एक दिन तेरे साथ रेस्क्यू में चलूँगा मैं इनका मजाक है बोले नहीं मैं चलूँगा शहर के प्रतिष्ठित आदमी मैं कहा चलो मैंने उनको बुला लिया बुला लिया लड़की जैसे ही हमने ली वो बदतमीजी करने लगी मैंने उनको लगा के खस खस के लगाया और जितनी गंदी गालियाँ उन्होंने दी उससे चौक नहीं मैं देती हूँ फिर उन्होंने कान पर हाथ रखे बोले ये कौन सा रूप है मैंने कहा क्या समझते हो आप अगर कीचड़ में जा रहे हो तो कीचड़ में हाथ तो लगाओगे अगर कीचड़ में हाथ नहीं लगाओगे तो कैसे कीचड़ साफ कर दोगे नहीं कर सकते आप तो वो नहीं है आप निकलने का तो सवाल ही मत करो अपनी मर्जी से तो वो निकल ही नहीं सकती उनको निकालने में भी हमको कीचड़ में घुसना पड़ता है मेरे कपड़े फट जाते हैं कई बार पीछे से ब्लाउज फाड़ देती हैं खींच के साड़ी एकदम तार तार कर देती हैं कैसे मैं उतरती हूँ कैसे नहीं हमेशा अपनी गाड़ी में एक साड़ी या सूट या कोई चीज़ रख के चलती हूँ और जिस बहुत बार हुआ है मेरा जैसे ये अंगूठा तोड़ रखा है ये मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं वो करती ये ऐसे तोड़ा वहीं के वहीं टूट गया था और कभी ढंग से जुड़ी नहीं पाया क्योंकि मैं ना हमेशा ऐसे कर देती हूँ जब लेके कर चलूँ कि कोई भी वही सांबरेला समझना एक चाहता उंगली लगा दो मैं निकाल दूँगी आज ही तो उसने करीब मैं निकल रही हूँ और ऐसे मेरा मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या बिल्कुल लटक गया था ये अंगूठा इस तरह के मतलब वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं ना जो फिल्मों में दिखा रहे हैं डांस हो गया अब वो चली गई अपनी मर्जी से प्यार हो गया फिर वो शादी कर ली फिर कुछ नहीं है कुछ नहीं है वहाँ वहाँ कोई शादी नहीं करता वहाँ शादी के ड्रामा करते हैं लोग मैम जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और कई लोग होंगे ऐसे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से आप क्या मैसेज देना चाहते हो देखो पहला क्या? तो मैसेज ये है मैं ये कहती हूँ कि कोई पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं जो भी जुड़ना चाहे किसी एक बच्चे को अपना बच्चा मान के कर सकता है कुछ जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है जिनके लिए मैं लोगों से फिर जाके कटोरा लेकर मांगती हूँ कोई एक बच्चा लेने को तैयार नहीं होता तो जब मैं कहती हूं आपको घर में थोड़ी रखना है केवल इसकी फीस जमा करके तो आनी है ये हॉस्टल से ना निकाल दिया जाए उस गंदे में ना चला जाए यही तो करना है और मैं उन बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ तो जो भी जुड़ना चाहें वो कोई एक ऐसा मंशा लेके जुड़ा मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी बच्चे को जाके उनका खर्चा दो मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम एक पिता जैसा हाथ रख के देखो एक माँ जैसा सीना रख के देखो तो तो जुड़ो नहीं तो केवल बदफरशी से कुछ है नहीं और मैम अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आस पास क्या देखिए दे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ध्यान आपको अभी मुझे नहीं पता कि आपको कितना इसका अंदाज़ा है या नहीं है मैं जैसे एक छोटी सी बात से अपनी बात को करूँगी कि मुझे मेरे बच्चे भी कहते हैं अब तो सब सेटल हो गए बाहर बाहर तो मुझे वो भी कहते क्या मम्मी रास्ते में भी किसी को मैं किसी को देखती हूँ तो मैं रुक जाऊँगी रुक दो भाई मैं जरा देख लूँ किसी परेशानी में तो नहीं है ये लड़की है ना कई बार कुछ उठ पटांग भी हो जाता है ऐसे में तो मैं ज़रूर रुकती हूँ तो कम से कम इतना तो देख लो एक बच्चे के आँख में आंसू देख लो कोई भी सूरत दिखे मत करो आप खुद भी मुझे एक फ़ोन कर दो बहुत पुरानी एक बात याद आती है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए एक बच्चे को एक बच्ची को तो हंसा के देखो वही आपकी मंदिर मस्जिद हो जाएगा थैंक यू सो मच मैम आप अपने बिजी स्कैड्यूल से हैं टाइम निकाल कर आए हमारे पास सच में बिल्कुल वर्ड्स नहीं है हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं पर आप ये तीस साल जी कर आए हो हमारी तो अभी तीस साल उम्र भी पूरी नहीं हुई है एंड जितना आपने काम करा है बीइंग अ वूमन ऐसे जगहों पे जाना और वो कमेंडेबल है हैट्स ऑफ टू यू मैम एंड मैं जनता से भी यही कहूँगा दोस्तों कि इस पॉडकास्ट का मकसद यहाँ बैठने का मकसद इन बातों का मकसद यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो हम चीज़ें रोक तो नहीं सकते पर रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं अपने एंड से जितना सपोर्ट हो सके वो कर सकते हैं तो अगर आप मैम के एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं वो हेल्पलाइन नंबर भी है मैम का कभी भी आप देखो कुछ फिशी हो रहा है मुझे कर दे मैं जितना जल्दी से जल्दी आ सकती हूँ या नज़दीक का मैं अपना वॉल्टियर ऐसा नहीं मेरा कहीं नहीं है मेरे दिल्ली में भी हैं गाज़ियाबाद हैं नोएडा बहुत हैं सेक्टर पचास में मेरे साथी रहते हैं पाँच में भी रहते हैं सिक्सटी में भी हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं नज़दीक से नज़दीक भेज सकती हूँ एक फ़ोन कॉल ज़रूर करें थैंक यू सो मच दोस्तों इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को भेजें नॉन वंस को भेजें एंड हम मिलेंगे ऐसे एक और अच्छे एपिसोड के साथ टेलन अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर सी यू टाटा